चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। उपभोक्ता को भेजा 4,02,00,000 रुपए का बिल, 24 जुलाई तक जमा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। सेक्टर 122 में रेलवे कर्मचारी को यह बिल भेजा गया है। रेलवे कर्मचारी फिलहाल ट्रेनिंग पर शिमला में है और हर महीने औसतन 1,000 ही बिल आता है। फोन पर मैसेज आने के बाद उपभोक्ता के भी होश उड़ गए। इसमें बिल में कमी थी, बिल जो है गलत बन गया था, लेकिन विभाग में एक प्रोविजन है कि बिल को होल्ड कर लिया जाए, तो बिल को होल्ड कर लिया गया। लेकिन एक जरा सी ये कमी थी कि उपभोक्ता को मैसेज चला गया, क्योंकि गलत बिल का गलत मैसेज जाना भी एक उपभोक्ता के लिए जो है परेशानी का विषय हो सकता है। हम इसको व्यवस्था करेंगे आगे वाले आने वाले समय में कि गलत बिल बनाए तो उसका मैसेज ना जाए, और उसको बिल जब सही बने तभी उसको मैसेज जाए। विजय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, आखिर क्या ये माजरा है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। नोएडा के सेक्टर थाना 113 और 112 क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक रेलवे कर्मचारी के घर पे बिजली का बिल 4,02,00,000 रुपए का आता है। पर वही जो चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग का कहना है कि इस बिल को पहले ही रुकवाया गया था, किस तरीके से फॉरवर्ड होगा, कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता होते हैं परेशान होते हैं, उसको लेके उन्होंने अवेयरनेस चलाया कि इस तरीके की घटना का दोबारा भी होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिन्होंने घटना की है। जी शुक्रिया विजय, इन खबरों पर बातचीत करने के लिए आपका।